सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। क्यों छोड़ूं मैं किसे भगवन, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, छोड़ूं की बाणी कहती, सुख भी भगवान का, दुख भी भगवान का। पर तुम लोग कहोगे महाराज जी कहना सरल है पर कांटा लग जाए बड़ा दर्द होता है, कहना सरल है पर कांटा लग जाए बड़ा दर्द होता है। स्वामी विवेकानंद की एक बात हमें बहुत याद आती, हमारे आचार्य श्री स्वामी विवेकानंद कहते हैं जिनके पांव में कांटे लग जाते हैं उनके पैरों की रफ्तार बढ़ जाती है, जिनके पैर में कांटे लगते हैं उनके पैरों की रफ्तार बढ़ जाती है, उनकी चलने की रफ्तार बढ़ जाती है, जो तेज गति से चलता है वही मंजिल पर पहुंच जाता है। तो कांटे भी सहायक, कांटे लगेंगे तो रफ्तार बढ़ेगी, रफ्तार बढ़ेगी तो जल्दी मंजिल मिलेगी। इसलिए मेरे पागलो आज की कथा का सूत्र याद रखो, क्या भागना तो सरल है लेकिन जागना कठिन है। इसलिए आज से कथा का एक सूत्र नोट करना, हमें भागना नहीं है हमें जागना है। क्या करना है हमें, बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो। लेकिन ये कहना सरल है मानना बड़ा कठिन है, क्योंकि ये मन तत्क्षण दुखी होता तुरंत सुखी होता। कोई अभी सम्माननीय व्यक्ति कथा में आ जाए और हम उनका नाम ना लें, वो भीतर ही भीतर ऐसे फूट पड़ते हैं जैसे कोयला जलता है। हाँ, बड़ी आपत, बड़ी आपत है। कोई माननीय सम्माननीय आ जाए कथा में और हम मस्ती में मस्त हो और उनकी तरफ देख ना पाए या बोल ना पाए, ऐसे जल जाएंगे जैसे भट्टी में कोयला जलता है। हाँ, तो उन्हें कथा नहीं पुसाएगी, उन्हें तो लगेगी बाहर में गई होंगे भागे सो सरकार अपने लिए। हाँ, बुरा ना मानना, यही चीजों पर विजय पा लेना, जाग जाना है, मान अपमान और सम्मान से ऊपर हो जाना, इसी का नाम जाग जाना है। मान करो तो धन्यवाद, ना करो तो धन्यवाद। हमारे पूज्य दादा गुरुजी कहते थे, ना मुझे मान प्रिय है ना सम्मान प्रिय है ना अपमान प्रिय है, मुझे तो केवल हनुमान प्रिय है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो पागलो आज के बाद हमें भागना नहीं है, क्या करना है, जागना है। सनातन के प्रति जागना, हिंदुत्व के प्रति जागना, मर्यादाओं के प्रति जागना, संस्कृत के प्रति जागना, संस्कृति के प्रति जागना, राष्ट्र माता के प्रति जागना, भारत माता के प्रति जागना, अपने विचारों के प्रति जागना, अपने जीवन के प्रति जागना, अपने अधिकारों के प्रति जागना और प्रभु को पाने के लिए भक्ति में भी हमको जागना है। महाराज वो जागने का उपाय क्या, दो उपाय हैं, एक ज्ञान एक ध्यान, एक ज्ञान
एक ध्यान। ज्ञान कहां से मिलेगा? जिसके पास ज्ञान होगा उससे मिलेगा। किसके पास ज्ञान है? हमें तो एक जगह मिला, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। सागर समुद्र की तरह ज्ञानी जय हनुमान ज्ञान गाओ गाओ गाओ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीश तेहु लोक उजागर। 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 जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जागने के दो पाए, एक ज्ञान दूसरा ध्यान। अच्छा ज्ञान कौन सा? डीएडडी पीएचडी एड बीएड पीएचडी कर ली तो क्या ज्ञानी बन गए? ठटरी के बरे, ये ज्ञानी नहीं है, इनके तो उल्टे दिमाग और खराब होते हैं। पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ना तो चाहिए पर भैया पढ़ना भी अपनी भारतीय संस्कृति के साथ चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति ज्ञानवान बनाती है। तो दो उपाय, एक ज्ञान सबको पढ़ो, हम ये नहीं कहते कि ना पढ़ो, सबको पढ़ो, जिसको लगे उसको पढ़ो। हम तो लगभग जो जितने भी लोग मिलते हैं हम उनको पढ़ते हैं। दूसरों के बारे में बोलने के लिए जब भी हमें समय मिलता नहीं पढ़ते, हम सुन लेते हैं, संतों से सुन लेते हैं, पढ़ते हैं। जितना ज्ञान नहीं है कोशिश करते हैं छोटी मोटी जो भी हमें मिले वो भाव पढ़ लेते हैं। ज्ञान, ज्ञान कौन है? ज्ञानी कौन है? हनुमान जी महाराज। ज्ञानी से मिलेगा ज्ञान। अच्छा हनुमान जी से ज्ञान मिलेगा पर ध्यानी कौन है? हैं भाई, प्रभु को पाने के जागने के दो ही उपाय हैं, ज्ञान और ध्यान, पर ध्यानी कौन है? कल जिनकी कथा हमने सुनाई, कौन है ध्यानी? सबसे ज्यादा ध्यानी धन धन हे त्रिलोकी नाथ, तुम हो सब नाथों के नाथ, क्यों ना दुनिया पुकारे तुम्हें भोलेनाथ। धन धन हे त्रिलोकी नाथ, तुम हो सब नाथों के नाथ, क्यों ना दुनिया पुकारे तुम्हें भोलेनाथ। ज्ञानी हनुमान जी है तो ध्यानी शंकर जी, सबसे ज्यादा ध्यानी कोई है? लागी समाधि सहस सतासी, उत्तर मिला है, लागी समाधि सहस सतासी। तो समाधि में भोले बाबा जाते हैं तो ध्यानी भोले बाबा हैं, ज्ञानी हनुमान जी हैं। और भैया अब तो ये तय हो गया, पक्का हो गया, दोनों एक ही हैं। हनुमान चालीसा में वर्णन आया है दोनों के एक होने का प्रमाण। कहां? शंकर सुमन केसरी नंदन, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। बोलो बोलो बोलो। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। श्री राम जय 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 राम, श्री
ज्ञानी शंकर जी, ज्ञानी हनुमान जी दोनों एक हैं। शंकर सुमन केसरी नंदन। अरे हमारे पूज्य जगतगुरु तुलसी पीठाधीश्वर पद्म विभूषण रामानंदाचार्य पीठ पर विराजमान परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान राम भद्राचार्य जी महाराज जी ने भी कहा क्या, आहा चौपाई को बदल करके दिया गुरुदेव ने, शंकर सोयाम गुरु जी ने कहा, शंकर सोयाम शंकर जी ही स्वयं हनुमान जी हैं। तो जागने के दो उपाय, ज्ञानी और ध्यानी, ज्ञानी हनुमान जी ध्यानी शंकर जी दोनों एक ही हैं। इसलिए मेरे भारत के लोगों और इंदौर के पागलों एक बात गांठ बांध लो, अगर तुम्हें जागना है तो हनुमान जी की शरण पकड़ लो, तुम ज्ञानी भी हो जाओगे और ध्यानी भी हो जाओगे।